बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आमीन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चिकन एंड वेजिटेबल नूडल्स। आइए उसके हम इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। एक पैकेट ये मैंने नूडल्स का लेके इसको नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के तो मैंने उबाल लिया है। उबाल के इसको छान के ठंडा पानी इसमें डाला है। और एक कप मैंने चिकन लिया है, इसको मैंने नमक, काली मिर्च और जो रेड कुटी हुई मिर्च होती है उससे इसको मैंने मैरिनेट किया हुआ, आधा घंटा हो गया। और ये बंद गोभी मैंने ली है एक कप है, एक आज छोटी सी शिमला मिर्च ली है, एक छोटी सी गाजर ली है। और ये टू टेबल स्पून इसमें कैचअप है, टू टेबल स्पून इसमें सोया सॉस है, टू टेबल स्पून सिरका है, और ये चिली सॉस है टू टेबल स्पून, वन टी स्पून इसमें नमक है, और वन टीस्पून काली मिर्च है, और वन टीस्पून ही वाइट पेपर है। ये मैंने एक पैन में फोर टेबलस्पून ऑयल लिया और उसमें ही अपना चिकन डाल दिया। चिकन हमारा फ्राई हो गया। अब इसके अंदर हम एक एक करके अपनी सारी सब्जियां ऐड कर देंगे। गाजर, ये हमारी सब्जियां जो है फ्राई हो गई हैं। अब इसमें हम सारे मसाले इसमें डाल देते हैं। ये वाइट पेपर, काली मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका और ये नमक डाल के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और ये कैचअप भी डाल देते हैं। ये वन टीस्पून इसमें शुगर भी डाल देते। अब इसमें नूडल्स डाल रहे हैं। ये दोनों हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि सब चीज़ें एक जैसी हो जाए मिक्स। ये अब पक गए हैं, इसकी मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया। तो अब इसको मैं डिश में डालती हूँ। ये मैंने डिश में निकाल लिए हैं केचप के साथ और सॉस के साथ, जैसा दिल चाहे आप खाएं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।